दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर खो गया है और आप अपनी बैंक का अकाउंट नंबर वापस पता करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिनके माध्यम से आप बड़ी आसानी से अपने किसी बैंक का अकाउंट नंबर पता कर सकते हैं। अब अकाउंट नंबर ना होने का आपके पास कोई भी कारण हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आपकी पासबुक चोरी हो गई हो, जल गई हो, फट गई हो, चेकबुक वगैरह गिर गया हो आपका, तो अकाउंट नंबर हमारे पास नहीं होता है। तो आपका कोई भी रीज़न है, अगर आप अकाउंट नंबर पता करना चाहते हैं अपने किसी बैंक का, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, सारी बैंकों का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर पता करने का सबसे पहला तरीका ये है, जिसमें आपको देखना है कि आपके घर पर बैंक से कोई डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हुआ होगा। अब जैसे आपने मान लो स्टेट बैंक में कोई अपना अकाउंट खुलवाया, एग्जांपल ले रहे हैं स्टेट बैंक का, किसी बैंक का आपका अकाउंट नंबर पता करना है आपको, आप इसी प्रोसेस से पता कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बैंक में जैसे अकाउंट खुलवाया होगा, तो उसमें क्या है कि आपको इसका डेबिट कार्ड वगैरह डिलीवर हुआ होगा, या फिर अकाउंट का वेलकम किट आपको रिसीव हुआ होगा घर पर किसी भी कोरियर के माध्यम से, या आपका पासबुक आया होगा, चेकबुक आया होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे लिए बैंक से रिसीव होते हैं किसी भी कुरियर से। तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो पार्सल हमारा आया है, जैसे कि डेबिट कार्ड आया है, तो डेबिट कार्ड तो आया ही है, उसके साथ में हमारे लिए एक और डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें उस डेबिट कार्ड के बेनिफिट, चार्ज वगैरह के बारे में बताया जाता है। तो उसी डॉक्यूमेंट पर आप देखेंगे ऊपर आपका एड्रेस रहता है और आपका अकाउंट नंबर भी मेंशन रहता है, तो वहाँ से आप अपना जो अकाउंट नंबर है ये पता कर सकते हैं। तो आप एक बार अपने घर पे देखिएगा, जो ओल्ड डॉक्यूमेंट आपके आए हुए हैं पहले बैंक से, उनमें शायद जो पुराना लिफाफा है वो अगर पड़ा होगा तो उसमें आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। दूसरा तरीका है बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अकाउंट नंबर पता करने का। आपका किसी बैंक में अकाउंट है, सारी बैंकों में लगभग आपके लिए जो आपका अकाउंट नंबर है वो ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर से पता चल जाता है। तो इसके लिए सिंपल सा आप गूगल पे आएंगे, यहाँ पर आप आकर सर्च करेंगे, जैसे अपनी बैंक का नाम डालेंगे और हेल्पलाइन नंबर लिख देंगे। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ SBI बैंक हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा इतना। अब देखिए हमारे सामने जो स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है ये यहाँ पर आ जाती है। किसी फर्जी वेबसाइट पर नहीं जाना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से हर बैंक की वेबसाइट आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि आपको कुछ नंबर मिलेंगे, टोल फ्री नंबर मिलेंगे, आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप अपने अकाउंट के बारे में पता कर सकते हैं। जो कस्टमर केयर है वो कुछ आपकी जानकारी पूछेगा आपसे, आपका पैन कार्ड नंबर पूछ सकता है। आप अपने बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करिएगा तो आपको अकाउंट नंबर बता देंगे। अगर आपको आपके बैंक का हेल्पलाइन नंबर गूगल पर नहीं मिलता है, तो आप देखेंगे आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में भी आपको आपके बैंक का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं और वहां से अपना अकाउंट नंबर पता कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका तब काम करेगा जब आपने अपनी बैंक में मेल आईडी रजिस्टर्ड कराया होगा। अगर आपके पास बैंक से रजिस्टर्ड मेल आईडी है, तो आप उसको ओपन करेंगे और सिंपल सा ओपन करने के बाद सर्च का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, तो यहां पर आप सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम डालना है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ICICI बैंक का अकाउंट है और मैं उसका जो अकाउंट नंबर है ये भूल चुका हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ICICI बैंक स्टेटमेंट, या फिर अकाउंट लिख दीजिए ICICI बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, इतना मैं लिखूंगा। जैसे सर्च करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए कुछ स्टेटमेंट आएंगे इस प्रकार से PDF में, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है और नीचे आपको आना है, यहाँ आपको एक PDF मिलेगी, इस PDF को ओपन करना है। अब कुछ बैंकों में तो ये PDF आपकी डायरेक्ट खुल जाएगी, लेकिन कुछ बैंकों में यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड सबका अलग अलग रहता है, तो आपको इसमें देख लेना है ऊपर कि क्या पासवर्ड है। जैसे मैं अगर इस PDF के पासवर्ड की बात करता हूँ, तो इसमें जो हमारा नाम है उसके 4 लेटर हैं कैपिटल अक्षर में और हमारी डेट ऑफ बर्थ का डे और मंथ है, तो इसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड है हमारा खुल जाता है। अपना पासवर्ड डालता हूँ मैं। PDF के अंदर आपका पूरा स्टेटमेंट रहेगा, किसी भी मंथ का स्टेटमेंट आप ओपन करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका अकाउंट नंबर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे हमारे अकाउंट का देखिए अकाउंट नंबर हमको दिया गया है यहां पर और IFSC कोड बताया गया है, पूरा हमारा एड्रेस है। अब ये अकाउंट नंबर आपको ऊपर नीचे बगल में कहीं पर भी इसमें मिल सकता है, तो आप इस प्रकार से भी जो अपना अकाउंट नंबर है ये पता कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर के तरीके की, जिसके लिए आपको अपने नज़दीकी किसी भी AEPS सेंटर पर जाना पड़ेगा। AEPS का मतलब है कि जहां आपके आसपास आधार कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं, जिसे हम CSC सेंटर भी कहते हैं। तो आपको गूगल पर सर्च करना है और यहां पर आपको लिखना है नियर बाई AEPS सेंटर।
जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नियर बाई AAPS सेंटर, देखिए हमारे सामने ये वेबसाइट आई है और नीचे देखिए यहाँ पर कुछ हमारे सामने एड्रेस आ चुके हैं और AAPS सेंटर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपकी लोकेशन के हिसाब से जो भी सेंटर आपके आसपास है या आप जानते हैं किसी व्यक्ति को ऐसे को जो आपके आसपास पैसा निकालता है आधार कार्ड से, गांव क्षेत्र में ये बहुत फेमस रहती है सर्विस, तो वहाँ पर जाइएगा आप और वहाँ पर जाकर के सिंपल सा आप उनसे बोलिएगा कि सर मुझे अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट निकालना है, तो वो आपका मिनी स्टेटमेंट निकाल देंगे और आपके 5 ट्रांजेक्शन उसमें आएंगे और उसमें आपका अकाउंट नंबर भी आपको शो हो जाएगा। लेकिन ये सर्विस कुछ कुछ AAPS सेंटर पर आपको मिलेगी, लेकिन किसी किसी AAPS सेंटर पर आपको ये मिनी स्टेटमेंट की सर्विस नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं फाइनली लास्ट नंबर के तरीके की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारे तरीके अपना लिए हैं और आपके अकाउंट नंबर का पता नहीं चल पा रहा है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन और लास्ट नंबर का ऑप्शन ये बचता है कि आपको अपनी होम ब्रांच में जाना है। अगर सरकारी बैंक है आपकी, जैसे SBI, सेंट्रल या बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप अपनी होम ब्रांच में जाएंगी जहां आपने अपना अकाउंट खुलवाया था। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बैंक है आपकी, जैसे HDFC, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक या इंडसइंड बैंक, तो फिर क्या करेंगे, आप अपनी किसी भी नज़दीकी उस बैंक की ब्रांच में जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट बैंक में सारी ब्रांचों में हमारी होम ब्रांच होती है लगभग। कुछ बैंकें हो सकता है कि इस चीज़ को फॉलो ना करते हो, लेकिन लगभग सारी प्राइवेट बैंकों की ब्रांचों में आपका कोई भी काम हो जाता है आजकल। तो आपको क्या है, अपनी ब्रांच में जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको बोलना है कि सर मेरा अकाउंट नंबर खो चुका है, पासबुक चेकबुक मेरी खो चुकी है और मेरे पास अकाउंट नंबर नहीं है, तो मुझे अपना अकाउंट नंबर पता करना है। तो जैसे ही आप इतना बैंक के कर्मचारियों से बोलते हैं तो वो आपसे कुछ डिटेल्स आपकी मांगेंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर ले सकते हैं, आधार कार्ड नंबर ले सकते हैं या फिर आपका ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड देख सकते हैं। इसके बाद वो वेरीफाई करेंगे कि ये पर्सन वही है क्या जिसका अकाउंट है, और जैसे ही वो वेरीफाई करते हैं इसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपको बता देंगे, और उसके बाद आप चेकबुक ले सकते हैं अपनी उसी ब्रांच से या फिर आप पासबुक भी इशू कर सकते हैं। बाकी का बता दें आपको, कुछ सरकारी बैंकों में क्या होता है कि आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाई जाती है जिसमें आपसे बोला जाता है कि एक एप्लीकेशन लिखिएगा, तो आप एप्लीकेशन लिख देंगे सेवा में श्रीमान ब्रांच मैनेजर महोदय, अपनी ब्रांच का नाम डाल देंगे, विषय में डाल देंगे अकाउंट नंबर पता करने हेतु, और महोदय डायरेक्ट लिख देंगे श्रीमान मेरा इस बैंक में ये अकाउंट था, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, और किसी कारण से मेरा अकाउंट नंबर मेरे से खो गया है, मैं अपना अकाउंट नंबर पता करना चाहता हूं, और इस एप्लीकेशन के साथ में अपना आधार कार्ड का फोटो लगा करके दे दीजिएगा, तो ब्रांच वाले आपका अकाउंट नंबर आपको पता करके दे देंगे। इस प्रकार से आप अपना जो अकाउंट नंबर है ये पता कर सकते हैं। अगर कुछ ब्रांचों में आपसे बोला जाता है कि आप अपने अकाउंट का लास्ट का 4 अंक बताइएगा, तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, आपके पास अगर ATM कार्ड है तो ATM कार्ड से आप कैश विड्रॉल करिएगा किसी भी ATM पे जाकर के, और वहाँ पर एक रिसिप्ट निकलती है, बाद में पैसा निकालने के बाद एक पर्ची निकलती है, उस पर्ची पर आपके लास्ट के अकाउंट के 4 अंक होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी AAPS सेंटर पे जाकर के और आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक पर्ची देते हैं, वो उस पर्ची में भी आपका अकाउंट का लास्ट का 4 अंक मिलता है, तो आप लास्ट के 4 अंक इस प्रकार से पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना SMS चेक करिएगा, अगर आपने बैलेंस ट्रांसफ़र किया होगा या कहीं से आपको पैसा रिसीव हुआ होगा तो आप यहां पर देखेंगे इस प्रकार से आपको SMS मिलता है, और इस SMS में आपको अकाउंट के लास्ट के 4 अंक देखने को मिल जाते हैं। तो आप इन 3 तरीकों से अपने अकाउंट के लास्ट के 4 अंक भी पता कर सकते हैं। आपने अपना अकाउंट नंबर किस तरीके से पता किया कमेंट जरूर करना, जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।